नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिबेट टॉक विद एमसीआई का एपिसोड 4 में। थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था हमने, लेकिन जैसे ये बारिश की जो मामला है वो हटा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, तो हम वापस आ चुके हैं। और दो जो पब्लिक ने जो दो टॉपिक्स दिए थे अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं, तो उसको आज एक को कवर कर रहे हैं हम, जो अभी नेटन ने पूछा था, व्हाई स्टार्क इज सो अंडररेटेड। तो इसको थोड़ा डिबेट के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू में लेके इसको पूरा डिस्कस करेंगे उनके स्टैट्स के साथ। मेरे साथ मौजूद है मानस। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बारिश ने मैच जीत लिया है, उसके बाद हम आ चुके हैं डिबेट एपिसोड बनाने, तो चालू करते हैं। मैं आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ। पहले अभी नेटन ने एक टॉपिक बताया अपना कि इस पे बनानी चाहिए डिबेट पे, तो वाई स्टार किस तो अंडररेटेड। तो मानस, आपको क्या लगता है, वो भी अंडररेटेड है क्या? क्योंकि मुझे तो थोड़ा नहीं लगता यार वो अंडररेटेड है जिस तरह से। या देखो, एक तो है ना, अंडररेटेड तब कहलाया जाता है कि टीम मैनेजमेंट बढ़िया परफॉर्म करने के बाद भी इतने चांसेस नहीं दे रही है। पर मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली है ना, स्टार्क का थोड़ा सा फॉर्म अभी गायब हो गया था कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे कुछ फिलहाल, लेकिन फिर भी टीम मैनेजमेंट उन पे भरोसा दिखा रही है और ऐसे कुछ छोड़ नहीं रही है उन पे, और ऐसे कुछ इश्यूज भी दिख नहीं रहे ना। मिचेल स्टार्क फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं, तो ओ अंडररेटेड की तो यार बात मुझे लगती नहीं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट का भरोसा है स्टार्क पे अभी भी। हाँ, अंडर रेटेड मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि अंडर रेटेड उसे कहते हैं कि आप जिसको मौका ही नहीं दे रहे, जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, और जो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है आप उसको देख नहीं रहे, ये होता है अंडर रेटेड। तो हम इसको इस तरह से लेते हैं कि मिचेल स्टार्क पहले जिस तरह से थे और अभी जिस तरह से हैं, तो उसके अंदर बहुत अंतर है। तो मिचेल स्टार्क क्या अपनी बेस्ट दे पा रहे बॉलिंग में, या फिर उनको कोई मतलब उनके टॉपिक के हिसाब से लेते हैं कि वो अंडर रेटेड है नहीं। तो मैंने स्टैट्स निकाली यहाँ पे बॉलिंग के, उनके जो स्टैट्स है, टेस्ट में 61 मैचेस में 255 विकेट्स लिए हैं, उसके अंदर उन्होंने इनकी जो इकोनॉमी है वो 3.35 के, और 10 विकेट वो 2 बार ले चुके हैं, 5 विकेट 13 बार ले चुके हैं। तो ये उनके स्टैट्स से माना, सब क्या कहना चाहेंगे इनके स्टैट्स पे? स्टैट्स तो बहुत शानदार है। 61 मैचेस में आप देख लीजिए, 255 विकेट ले रखा है, यानी कि देख सकते हैं कि आप 122, यानी इधर तो दे रखा है 117 इनिंग्स में इन्होंने 255 विकेट। यार बहुत शानदार होता है टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, ओडीआई में भी बहुत अच्छा है। T20 में देखते हैं तो हम थोड़ा एक्सपेंसिव साबित होते हैं, 41 मैचेस 51 विकेट ही लिए हैं। T20 में प्रेशर भी आपके पास बहुत ज्यादा होता है और आप पूरे 4 ओवर्स मिलते नहीं है उसमें, ओवर्स की लिमिट भी कम हो जाती है और पूरे 4 ओवर्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो T20 में प्रदर्शन के इतना कुछ कहेंगे नहीं, पर काफी अच्छे हैं मेरे हिसाब से, तो अंडररेटेड बिल्कुल नहीं है। तो इस हिसाब से इसको देख के ऐसा तो नहीं लगता अंडररेटेड नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी नेटन ने टॉपिक इसलिए दिया है कि वो कहना चाह रहे हैं कि स्टार्क का पहले 2015 तक बहुत नाम था कि भाई मिचेल स्टार्क बहुत ही डेंजरस बॉलर है, हर कोई ऐसे इंटरव्यू देता था, विराट कोहली और सबकी बहुत ही खतरनाक बॉलर है। तो अभी वो क्यों नहीं हो पा रहा, अभी सब लोग क्यों सब मतलब अभी कोई भी पूछता है स्टार्क बॉलर है, हाँ चलो कोई बात नहीं खेल लेंगे, अब क्यों नहीं डर पा रहे उनसे, अभी क्या दिक्कत हुई है उन्हें? मिचेल स्टार्क जब 2015 में आए थे, 2013-14 के आसपास आए थे, तो बहुत खतरनाक यॉर्कर पटकते थे और उनका पूरा हाथ घूमता था। पहले यू लाते थे, फिर पूरा यू घुमाते थे आके, लेकिन अब क्या हम देखते हैं कि यू छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद ही एकदम से घूम जाता है। लेकिन पहले बीच में स्टार्क बहुत तेज घुमाते थे हाथ को, और इनिशियली जब होता है कि बॉलर आता है ना, तो उसका बहुत खौफ होता है। पहले कुलदीप यादव को खेलने का बहुत थोड़ा वैसे होती थी दिक्कत, लेकिन अब कुलदीप यादव, अरे चल हटा देख लेंगे, और बाकी भी कुछ ऐसे बॉलर्स हैं, तो शुरुआत में इनिशियल लेवल में जो आपका होता है ना डेंजर लेवल, वो होता है ऐसा खतरनाक। लेकिन अभी भी बहुत बैट्समैन डरते हैं उनसे, मैं नहीं कह सकता कि नहीं डरते हैं, बहुत ज्यादा बैट्समैन डरते हैं, क्योंकि वो अपने पुराने एंकल रिस्ट एंकल में आ चुके हैं और पूरा पूरा जो है उनका शोल्डर घूम जाता है उसमें। अब इसी टॉपिक के अंदर अभी नेटन ने ये भी पूछा है कि इसको इसमें भी डिस्कस करना कि स्टार्क वसीम अकरम से बेटर है या नहीं। वसीम अकरम मानस वो लेजेंड बॉलर है एक, जो रिटायर हो चुके हैं पाकिस्तान के, पर मुझे नहीं लगता है इन दोनों को कंपैरिजन करा जा सकता है, क्योंकि स्टार्क अभी तक रिटायर हुए नहीं है, करंट में खेल रहे हैं, और वसीम अकरम जो रिटायर हो चुके हैं और इतना साल हो गए रिटायर होने के बाद भी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, कंपेयर उन लोगों को किया जाता है कि जो सेम लेवल पे होते हैं क्रिकेट की बात करें तो। अब आप वसीम अकरम और स्टार्क को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करना तो उन प्लेयर्स को कीजिए जो करंट लेवल पे खेल रहे हो, जैसे कि क्योंकि आप मिचेल लोग कर स्टार्क तो सकते हैं अभी कभी। 31 साल की है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी रिटायरमेंट और एक करंट लेवल पे जो बंदा खेल रहा है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, या तो आप दोनों की रिटायरमेंट होने के बाद ऐसे कंपेयर कीजिए, या फिर करंट लेवल पे खेल रहे हो तो कंपेयर कीजिए, पर इन दोनों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। आप एक टाइम पे बोल सकते हैं कि यार वसीम अकरम तो लेजेंड है, इतनी शानदार स्पिन कराते थे, इतनी खतरनाक बॉलिंग करते थे, सामने वाला डर के भाग जाता था, पर स्टार्क के बारे में भी क्या बोल सकते हैं, अभी तक पूरा करियर तो खत्म होने, तो ऐसे नहीं कह सकते हम कि ये कंपेयर कंपेयर नहीं कर सकते।
और मुझे लग रहा है जो उनका गोल्डन पीरियड था ना वो कुछ ऐसा ही था, 2015 से लेके 2019 तक उनका गोल्डन पीरियड चल रहा था, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो, 27 विकेट उन्होंने कुछ लिए थे और ट्रेंट बोल्ट भी उनके आसपास ही थे, तो सबसे बढ़िया बॉलर वो ही थे उस वक्त। 2019 का तब देख लीजिए, 2020 और 21 में उनका शानदार परफॉर्मेंस नहीं रहा है, और 2019 के बाद उनका टेस्ट मैच में नहीं रहा है। तो देखिए मेरा जो नजरिया है ना देखने को ये कि स्टार्क का जब से वो हुआ था सैंड पेपर गेट का मामला, मानस आपको याद होगा जो सैंड पेपर गेट का जो मामला हुआ था इसमें तो, और उन सब का, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस स्लाइटली डाउन सी गई है, क्या लगता है आपको? स्लाइटली डाउन सिर्फ उस पीरियड के टाइम पे गई, क्योंकि हम देखे कि 2019 हुआ था 25 मार्च 2018 को सैंड पेपर गेट हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद वर्ल्ड कप में तो यार सबसे ज्यादा विकेट्स भी इन्होंने लिए थे, 2 5 विकेट फॉल भी लिए थे। इस कंडीशन में हम बोल नहीं सकते कि ये एकदम इनका फॉर्म डाउन चला गया, पर हाँ टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में ये है, हमने देखा कि पिछली बार जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी उसमें भी इतना इफेक्टिव नहीं रहते स्टार्क, तो है कुछ दिक्कतें हैं वो ये कि उस सैंड पेपर गेट का जो मुझे लग रहा है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो जिसका डाउन हो जाता है, क्योंकि जो बीच में भी एक न्यूज पे आई थी कि प्लेयर्स जो हैं वो बॉलर्स पे भी इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई इन बॉलर्स की गलती थी, क्योंकि जब वो सैंड पेपर हुआ था पूरा जो स्मिथ और उन लोगों ने करके उनको दिया था, तो उसके बाद से एक किसी कोई थे यार मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने इल्जाम लगाया था स्टार्क पैट का, मीन्स बैनक्रॉफ्ट ने, कोई एक रिपोर्टर से थे उन्होंने भी इल्जाम लगाया था कि जो बंदा बॉलिंग डाल रहा है उसको तो ध्यान होना चाहिए ना कि भाई इसके ऊपर कोई करामात ऐसा हुआ हुआ है कि ये बॉल एकदम से स्विंग कैसे खा रहा है, तो बॉलर को भी पता होना चाहिए। तो उन्होंने इल्जाम लगाया था स्टार्क हेजलवुड और इन सब पे कि इनको पता है, और वो स्टार्क और उन सब का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया था। पैट कमिंस का भी बयान आया था कि हमें कुछ ऐसा पता नहीं था और हम इसके अंदर जुड़े हुए भी नहीं थे, वो सब आया था। तो मुझे लग रहा है वो कॉन्फिडेंस लेवल हल्का सा उनका डाउन हो गया, जैसे रेपुटेशन आपकी खराब हो जाती है तो उस वजह से उनका परफॉर्मेंस में थोड़ी दिक्कत आई होगी। और मैंने जब देखा 2015 में वो खुद खतरनाक की मतलब शानदार बॉलर थे, 2021 की अभी बात करें थोड़े से वो एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, मुझे लग रहा है इंजरीज के चलते, इंजरीज उनकी इतनी होती है। भुवनेश्वर कुमार है ऑस्ट्रेलिया के, जैसे अपने यहाँ पे भूवी को इतनी इंजरीज होती है वैसे उनको भी इंजरीज होती है। उन्होंने 2 बार आईपीएल छोड़ा, मैंने सुना उन्होंने लास्ट आईपीएल कब खेला होगा? लास्ट आईपीएल जो मुझे याद है कि 2018 में आईपीएल में सिलेक्शन हुआ था उनका, और केकेआर की तरफ से लेकिन इंजरी हो गई थी, लेकिन 2015 में लास्ट खेला था उन्होंने आरसीबी, 2015 में आरसीबी के खिलाफ अपना लास्ट, आरसीबी की तरफ से अपना लास्ट आईपीएल खेला था। मतलब इतने साल हो गए और वो आईपीएल भी नहीं खेले, उनकी इंजरीज एक तो मुझे एक प्रॉब्लम लगती है। जो अभिनेटर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अंडररेटेड है, अंडररेटेड नहीं है, वो ये है कि उनकी ज्यादा बढ़ाई इसलिए नहीं होती उनकी इंजरीज की वजह से। 2015 की बात से बताने उनको इंजरीज के इतने कंसर्न हुए कि वो आईपीएल में भी नहीं आ पाए, आईपीएल में आते अपनी छाप छोड़ते डोमिनेट करते अपनी टीम के लिए तो फिर वो एक अलग से ही नाम होता, तो उस वक्त आप अंडररेटेड नहीं कह सकते थे। अभी आप इसलिए कह रहे हो कि अभी उन्होंने विकेट्स निकाले थे, रसल को रोका था एक ओवर में कुछ 6 रन ऐसे कुछ चाहिए थे जब रसल को उन्होंने रोका था, शानदार बॉलिंग करी थी, तो आपका कहना है कि वो तारीफ नहीं होती स्टार्क की, वे स्टार्क की तारीफ होती और स्टार्क के कैसे बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर है जो एडम जैम्प और ये सब भी उनकी तारीफ करते कि भाई हमको इनसे सीखने को मिलता है, जाय रिचर्डसन और ये सब, वो आप मुझे लग रहा है आपको इसलिए अंडररेटेड लग रहा है कि वो आईपीएल नहीं खेलते, अगर वो आईपीएल खेलते तो उनकी छाप अलग होती, उनकी रेपुटेशन अलग होती और उनकी तारीफ ज्यादा होती। मानस आपका क्या कहना है कि उनको अंडररेटेड ऐसा क्यों लगता है? अंडररेटेड देखिए इस चीज में लग रहा है कि पिछले कुछ समय से आप कुछ और बॉलर्स पे भी थोड़ा रिलाय कर रहे हैं, जैसे कि आप देखते हैं जॉश हेजलवुड है, फिर आते हैं हमारे पास पैट कमिंस हैं, और भी कुछ बॉलर्स हैं, नए नए बॉलर्स आ रहे हैं टीम में, तो स्टार्क एक कॉमन बॉलर बनते जा रहे हैं और स्टार्क एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है, मेरी तरफ मेरी नजरिए से तो बहुत खतरनाक है, अंडररेटेड इन द सेंस मैं तो नहीं कह सकता। और उनकी ज्यादा बात मुझे लग रहा है अगर आप कहना चाह रहे हो उनकी ज्यादा बात नहीं हो रही तो इस वजह से न्यू यंगस्टर्स आ गए नए नए, तो उनके वहां से पैट कमिंस से जो नंबर वन टेस्ट बॉलर बन चुके हैं तो उनकी बात तो होनी बनती है। और इस चार के भी रेटिंग मुझे ध्यान नहीं लेकिन थोड़ी सी कम है टेस्ट में अगर रैंकिंग की तरफ देखा जाए तो, और अभी बुमराह है उनको कहते हैं यॉर्कर स्पेशलिस्ट और ये टैग पहले मिचेल स्टार्क को भी दिया गया था, तो मुझे लग रहा है एक तो ये मैं सजेशन देना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कि आप जो मैचेस हैं स्टार्क को थोड़ा और ज्यादा सा मौका दीजिए, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैचेस होता है आप लगातार उनको मौका दीजिए, अब वो है कि उनके ऊपर परफॉर्म करना नहीं करना हो तो उनके ऊपर क्यों परफॉर्म करते हैं नहीं। अपन ने देखा होगा अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था, माने सब स्टार्क को मौका दिया गया था लेकिन उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सही नहीं लगा था मुझे टेस्ट मैच में। हाँ देखिए अपने घर में खेल रहे हैं और फिर उसके बाद बावजूद भी टेस्ट क्रिकेट में बड़े परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं गलती है जो सुधारनी पड़ेगी, लेकिन अब अपने पुराने जो पुराना एक्शन से बॉलिंग करते थे उसमें वापस आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से T20 वर्ल्ड कप में छाप छोड़ने वाले हैं।
और उन्होंने एक्शन चेंज भी करा था 2016 के आसपास, और उन्होंने कहा था कि मैं अपना एक्शन चेंज करूंगा इससे मुझे थोड़ा कंफर्टेबिलिटी सूट होती, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने एक्शन चेंज कर लिया था, अपने पुराने वाले भी आ गए। तो अब इस डिबेट को अंत करते हो, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई वो अंडररेटेड मुझे तो नहीं लगता है और होने भी नीचे, और ओवररेटेड भी नहीं कह सकते उनको, क्योंकि उनका इतना नाम भी अभी चल नहीं रहा। और मैं एक चीज पूछना चाहूंगा मानस, आपको इनकी क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लगते हैं? देखिए पॉजिटिव्स तो है कि पहले थोड़ा बहुत अग्रेशन था, लेकिन उन्होंने सुधार किया, थोड़े से एक क्वाइट बॉलर बन चुके हैं, जो बहुत शांत प्लेयर है ऐसे बन चुके हैं, और काफी मेहनत भी करते हैं, और जो है इनका पेस और स्विंग बॉलिंग, इन स्विंग यार बॉलिंग और यॉर्कर्स खतरनाक डालते हैं, खतरनाक डालते हैं। और नेगेटिव्स? नेगेटिव्स में देखा जाए तो जो था एक पुराना, एक उसी लाइन पे आप लेंथ करते, उसी लाइन पे बॉलिंग डालते रहते हैं, चेंज नहीं करते लाइन। जब एक बॉलर उसी लाइन पे बॉलिंग डालता रहेगा ना, तो फिर बैट्समैन को रोक नहीं पाएगा, तो इस वजह से लाइन चेंज करना पहले करते थे, लेकिन अब भूल चुके हैं वो, और वही दिक्कत है कि एक लाइन को पकड़ के बैठे रहते तो रन बहुत ज्यादा खाते। देखिए पॉजिटिव्स तो मुझे ये लगते हैं कि वो शानदार यॉर्कर स्पेशलिस्ट अभी भी हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी हैं, और पावर प्ले के अंदर जो विकेट्स चटकाते हैं टेस्ट और T20 और ODI मान लीजिए ये। और नेगेटिव्स मुझे एक लगता है जिनको उस पर वर्क करना चाहिए, और मैं 2017 से एक ही बात कह जा रहा हूँ स्टार के लिए कि इस पर उनको वर्क करना चाहिए, और उन्होंने जो चेंज करा है वो राउंड द विकेट आते हैं जब राइट हैंडेड बैट्समैन होता है, और उस वक्त जब उनका जो एक्शन उन्होंने चेंज करा था उस वक्त वो पता नहीं जैसे विराट कोहली रोहित शर्मा जब बैटिंग करते हैं तो वो उनको वाइड यॉर्कर की साइड में देते हैं, मतलब वाइड एरिया के अंदर ज्यादा बॉलें देते हैं, और 2015 से पहले आप उनको देखते हो बिल्कुल वहां पे नहीं देते, तो वो आपकी पैर की LBW की साइड इनके आसपास आपको दे देते, पैर के आसपास यॉर्कर की मान लीजिए आप उनके आसपास देते थे कि शॉर्ट मतलब आपने ऐसी शॉर्ट बॉल डाली उसके आसपास ही, लेकिन 2017 के बाद वो पता नहीं वाइड वाली लाइन में डालते कि थोड़ा सा बैट्समैन को दूर रखते हैं उससे। और मैंने देखा जब भी वो करते हैं विराट कोहली हमेशा कवर ड्राइव मार देते हैं, रोहित शर्मा की बात आती है वो फिर से मार देते हैं, मतलब जो भी बाकी बैट्समैन वो हमेशा उनको मतलब अटैक कर देते हैं उस पोजीशन पे। तो मैं चाहूंगा कि वो अपना ये जो एक्शन है उसको चेंज करे इस तरह से कि आप उधर की तरफ ना दें, और आप जो अपना 2015 में करते तो उधर दीजिए, आप यॉर्कर की साइड दीजिए, आप अपनी राउंड द विकेट भी बॉलिंग आप नहीं करिए। तो मेरा बस एक ही सजेशन है, क्योंकि मैंने टेस्ट मैच में भी देखा तो वाइड वाली लाइन पे दे रहे थे और हमेशा वो रन भी मतलब पिट रहे थे, वो एक ऐसे बॉलर हो चुके थे उस वक्त वो पिट रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा हो, और राउंड द विकेट भी आप मत डालिए उन्हें, तो मेरा तो ये सजेशन है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मानस आप कुछ कहना चाहेंगे स्टार के लिए या पब्लिक के लिए? नहीं ये मैं ये कहना चाहूंगा कि अंडररेटेड तो देखिए मुझे तो लगता नहीं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलता है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि स्टार अंडररेटेड है या नहीं, और अपने टॉपिक्स भी दे देना जिसपे हमको डिबेट करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।